पूजा खत्म होने के बाद हमें गुरुजी को खाना खिलाना है, वो सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं, तो पूजा खत्म होते ही उनका भोजन तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? देख लेना बाकी सब कुछ। रामू काका, वो आपको पता है? हाँ, क्या? हाँ, मैंने अभी तक बताया आपको? तो बता दे। तो मैं बताता हूँ, तो बचपन में मैं जो प्रसाद के लड्डू होते थे वो चुरा के खा लिया करता था। तो आपको क्या लगता है कि भगवान इसी वजह से मुझसे नाराज है? क्यों, क्या हो गया? तो बात यह है कि मैं बाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे बाल बड़े नहीं हो रहे। कमाल की बात है। हाँ, बिजनेसमैन हो के आपके लंबे बाल और मॉडल हो के मेरे छोटे। भगवान बहुत अनफेयर हुआ, हंसो मत। बहुत अनफेयर है, अब चले चलो। ओए खोते हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियाँ कौन देखेगा? पूजा के लिए गुरुजी आ रहे हैं। सिर्फ गुरुजी नहीं है, हाय फाय गुरुजी हैं। प्रियंका चोपड़ा ज्यादा बाटर मारते हैं, है ना? चुप कर खोते, वो विदेश में घूमने फिरने थोड़ी जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। तो हम लोकल भक्तों को दर्शन देने का टाइम कैसे मिल गया उनको? शिवाय ने बात की थी इसलिए मान गए। प्रियंका और दक्ष की शादी का मुहूर्त वही निकलवाएंगे। ए भैया कहाँ पे? गुरुजी को लेने गया है। आइए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भावा। आइए गुरुजी। की कुंडली के हिसाब से विवाह का उचित मुहूर्त 7 दिन पश्चात है। 7 दिन? नहीं नहीं गुरुजी, 7 दिन में शादी की तैयारियां नहीं हो सकती, कोई और मुहूर्त निकालिए ना। यदि विवाह 7 दिन पश्चात नहीं हुआ तो 3 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 3 साल? पंडित जी इतनी भी तैयारियां नहीं करनी है शादी? नहीं गुरुजी, 3 साल तक नहीं रुक सकते, और 7 दिन में शादी भी मुमकिन नहीं। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो आ ही नहीं पाएंगे। दादी रिश्तेदार? मॉम डैड नहीं आ पाएंगे? और कोई मुहूर्त नहीं है गुरुजी? 3 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चलो बच्चा, शादी 3 साल तक टल जाएगी, इतने वक्त में दक्ष की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। अगर ऐसा है तो प्रियंका और दक्ष की शादी 7 दिन में ही होगी। हाय, लेकिन शिवाय 1 हफ्ता? मैं जानता हूं प्रियंका शादी के लिए 3 साल नहीं रुकना चाहती, फिकर मत कर, शादी 7 दिन में होगी। और रही बात अरेंजमेंट्स की, तो मैं सब देख लूंगा। भैया थैंक यू सो मच भैया। ये तो उल्टा ही हो गया, 7 दिन में शादी, इतनी जल्दी मैं दक्ष का असली चेहरा सबके सामने कैसे लाऊंगी? नहीं नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी पड़ेगी। फिर हम आज की पूजा से ही विवाह से संबंधित रस्में प्रारंभ कर देते हैं, कल आप लोग सगाई कर लीजिएगा। जी गुरुजी। और ध्यान रहे, आज की पूजा में वर और कन्या को होना आवश्यक है, क्योंकि इस पूजा में इस देव का आशीर्वाद लेके हम विवाह संबंधित रस्में प्रारंभ कर देंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मुहूर्त में विवाह होने के पश्चात भी कन्या के जीवन में कठिन समस्याएं आ सकती हैं। और हाँ, पूजा के समय वो सारी चीजें जो वर और कन्या को आपस में बांधती हैं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे मंगनी की अंगूठियाँ, शगुन की चुनरी और गठबंधन में काम आने वाली चुनरी। गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, आप बस पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ओम, दक्षो फोन करो, उसे क्या किया अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचा है। शिवाय, गुरुजी ने कहा है कि पहले हमारे यहाँ से शगुन की मिठाई दक्ष के यहाँ जाएगी, शगुन की मिठाई को मुंह लगाए बिना वो पूजा में नहीं बैठ सकता। ठीक है दादी, मैं खन्ना को बोलकर मिठाई भिजवा देता हूँ। और दक्ष से कहना कि देर ना लगाए,
पूजा के मुहूर्त में ही आ जाए। आज की पूजा में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए पुत्र, वरना ये शादी 3 साल तक टल जाएगी। इसका मतलब अगर दक्ष इस पूजा में नहीं आया तो शादी अपने आप टल जाएगी, तो मुझे बस उसे यहाँ आने से रोकना है।